अब आप भी सुधर जाइए, और वैसे भी मैं आपको कुछ करने नहीं दूंगी। छोड़िए मेरा हाथ। मैं क्या करूं देवी पौलमी, कोई उपाय बताएं। देवी संतोषी ने हमारे अंश को भी अपने पक्ष में कर लिया। हमारी इतनी बड़ी पराजय नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। असुरराज, देवी संतोषी ने हमें पुनः परास्त किया है, वो भी हमारे स्वयं के अंश को अपने संतोष का पाठ बढ़ाकर। पुत्री चिंतित ना हो, इस बार हम तुम्हारे लिए ऐसा उपाय लाया है जो मनुष्य को ही नहीं देवताओं को भी पराजित करने की क्षमता रखता है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। शास्त्री माँ के जाने से संतोषी बहुत अपसेट लग रही है, मुझे उसका मुंह ठीक करना होगा। संतोषी जब टेबल पे ना तुम्हारी मन पसंद डिश हो ना, बार बार लेते हो खाने को, पहले ये खत्म करो, चलो उसके बाद और देता हूँ। एकदम भूख नहीं है और नहीं चाहिए। नहीं बेटी, तुमने खाने को छुआ तक नहीं तो फिर भूख कैसे नहीं बेटा? पता नहीं काका, लेकिन भूख नहीं लग रही। आप लोग खाइए ना, आप लोग को कुछ और चाहिए? अगर आप लोग बुरा ना माने तो थोड़ी देर के लिए हम अपने कमरे में जा रहे हैं। आप लोग अच्छे से खा लीजिएगा। साध्वी माँ के जाने का असर संतोषी के चेहरे से साफ झलक रहा है। और धैर्य बेटा, तुम यहां बैठे बैठे क्या कर रहे हो? जाओ बेटे, उसके विचलित मन को जरा शांत करो बेटा। जब से साध्वी माँ गई है तब से मामा किसी से बात ही नहीं कर रही। बेटा, तुम्हारी मम्मा साध्वी माँ को अपनी माँ मानती है ना, इसलिए उनके जाने से उनका मन उदास हो गया है। अब माँ के बिना बच्चे उदास हो जाते हैं ना। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। सच कहें तो हम सब उदास हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। घर बिल्कुल जैसे सूना सूना सा हो गया है। एक बात याद रखो, कभी भी भरोसा, वचन और दिल किसी का भी मत तोड़ना। जीवन में अच्छे और बुरे समय दोनों का अपना मूल्य है। एक हमें गलतियों से बचने की सीख देता है और दूसरा आगे बढ़ने का हौसला। माती, संतोषी आपके धरती लोक पर ना होने से कितनी दुखी है। उसके दुख को हम समझते हैं गौ माता, किंतु उसके लिए ये नई सीख है, क्योंकि जीवन में जो भी आता है उसे जाना ही होता है। समय के साथ सब कुछ सामान्य हो जाता है। आप व्याकुल ना हो, संतोषी का पति उसे इस दुख से निकालने में उसकी सहायता करेगा। पता है संतोषी, तुम्हारे वजह से आज मुझे खाना ज्यादा खाना पड़ा। क्यों? अरे तुम्हारी फेवरेट खीर बनी थी और तुम उसे छोड़ आई तो मुझे फिनिश करना पड़ा। सॉरी, खाना बीच में छोड़कर आ गए। क्या करे, जब से माँ गई है किसी भी काम में मन नहीं लगता।
देखो माँ की कमी तो मैं पूरी नहीं कर सकता, हाँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ। पर अभी मुस्कान आएगा कैसे? ये मुस्कान तब आएगा जब हम कहीं घूमने जाएंगे। हाँ घूमने जाएंगे, हाँ नैनीताल चलते, पता है वहां पे अभी बहुत ठंड होगी। चल ऐसे कोई अचानक नैनीताल थोड़ी ना जाता। क्या अचानक नहीं जाता है? और वैसे भी हम दोनों को अच्छा वक्त बिताए, काफी टाइम हो गया, बाहर गए का भी बहुत टाइम हो गया, तो कोई बहाना नहीं चाहिए। चलो हम नैनीताल जा रहे हैं, ठीक है? आप जो कह रहे हैं सही है, बहुत वक्त हो गया साथ समय बिताए हुए, लेकिन बच्चों का क्या करें, उन्हें छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। अरे बच्चों का क्या, इतने छोटे बच्चे भी नहीं कि अपने आप को संभाल नहीं सकते, और घर पे माँ पापा है ना, वो हैंडल कर लेंगे दोनों बच्चों। लेकिन धैर्य सर। अरे लेकिन विकी ना, तुम नैनीताल जाके करो। समझी, पहले तुम ये बताओ तुम्हारा बैग कहाँ रखा है? बैग? बैग सर? हाँ हाँ बैग। अच्छा सुनो, वो जो तुम्हारी फेवरेट साड़ी है, कौन सी? वो पीली वाली, उसे तो रख लेना, और साथ में वो साड़ी जो मैं लेके आया था तुम्हारे लिए एज अ गिफ्ट, खास मौके के लिए तुम्हें रखा था, वो भी रख लेना। चलो उठो, बहुत हो गया, बहुत हो गया आलसीपन, जाओ पैकिंग करो फटाफट। चलो पालोमिका, रुद्राक्षी दोनों काका काकी को तंग मत करना हा? और आपस में झगड़ा बिल्कुल नहीं करना, और खाने पीने में कोई नखरा नहीं। आप हमारी टेंशन मत लीजिए, हम ना बिल्कुल शैतानी नहीं करेंगे। हमारे प्यारे बच्चे, भरोसा कर लिया हूँ। अच्छा मंगला, बच्चों का ख्याल रखना और काका काकी को समय पर दवाई दे देना, ठीक है? आप चिंता मत कीजिए, और बच्चों की तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। पौलोमिका को तो देवी पौलोमी समझा देंगी, पर रुद्राक्षी उसका दिमाग तो मैं ठीक करूंगी। अरे बेटी तुम आराम से घूमने जाओ, घर का हम देख लेंगे ना। तुम जाओ आराम से घूमो और यहाँ की चिंता मत करना, समझे? अरे माँ पापा, आप लोगों की वजह से तो ये मौका मिला मुझे, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है मुझे। क्या है, कुछ भी बोल देते हैं सबके सामने। चलते हैं। खुश रहो। जीते रहो बेटा। ख्याल रखना। संभाल के जाना अच्छे से। हाँ तुम तो लड़कों से भी ज्यादा अच्छा खेल लेती हो। हाँ पौलोमिका, और खेलते ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। तुम यहाँ अपना खेल खेलो, तब तक मैं अपने खेल की तैयारी करती हूँ। इस दूध में मैंने ऐसा पाउडर मिलाया है रुद्राक्षी कि तुम महीनों तक बुखार में तड़पती रहोगी, पर दुनिया की कोई दवा तुम्हारे बुखार को नहीं उतार पाएगी। माते कुछ कीजिए, रुद्राक्षी का जीवन संकट में है। आप व्याकुल न हो गौ माता, हमारी भक्त पौलोमिका उसकी रक्षा करने के लिए सक्षम है। आप रुद्राक्षी, पौलोमिका तुम लोगों ने कब से कुछ खाया पिया नहीं है, ये लो दूध पी लो। तो द्राक्षी, ये मंगला आंटी इस समय दूध क्यों पिला रही है, लगता है कुछ गड़बड़ है। पौलोमिका ये लो। ये द्राक्षी की ग्लास के दूध का कलर अलग क्यों है? हम दो बॉल और खेलते हैं, फिर दूध पिएंगे, ठीक है? कोई है? दरवाजा खोलिए, हमारी आवाज कोई सुन रहा है क्या?
क्या हुआ, दरवाजा क्यों तोड़ रही है? हमें बहुत प्यास लग रही है, थोड़ा सा पानी दे दीजिए प्लीज। क्या बात है, मरने के पहले बहुत प्यास लग रही है, लेकिन जिसकी आहुति दी जानी होती है उसे निर्धारित मात्रा में ही पानी दिया जाता है। ज्यादा नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा, बहुत प्यास लग रही है। एक बार में समझ में नहीं आता क्या, बोला ना पानी नहीं मिलेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी, मेरे से बात करने की? क्या करना, छोड़ी उन्हें, छोड़, तेरे को तो मैं बताता हूँ, मेरे को मारेगा। हमसे उलझने चला था, चल मैं ठीक हूँ। यदि हम देवराज की प्रतीक्षा करेंगे तो उसमें और अधिक समय नष्ट हो जाएगा। आपकी बात सत्य है देवी पार्वती, किंतु प्रतीक्षा के अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। हमें तीनों देवियों और देवी संतोषी की बातें सुननी चाहिए ताकि ज्ञात हो सके कि वो किस दिशा में प्रयास करने वाली। नारायण नारायण। प्रणाम माते, प्रणाम देवियों। आयुष्मान भव। माते, हम इस समस्त प्रकरण पर अत्यंत ही सूक्ष्मता के साथ अपनी दृष्टि बनाए हुए, इसलिए पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि देवराज इंद्र देवी पौलमी के कथन अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, और इसलिए उनकी प्रतीक्षा करना हमें तो व्यर्थ प्रतीत होता है। माते, देव ऋषि, धरती लोक पर जो माया है वो देवराज की सहायता के बिना नहीं कटेगी। नारायण नारायण। माते, उस माया को काटने का एक उपाय है आपके पास, और वो उपाय है धरती लोक पर उपस्थित वो बालिका पौलोमिका। किंतु पुत्री पौलोमिका की तो स्मृति चली गई है, वो सहायता कैसे करेगी? माते, माता सरस्वती की कृपा से, उनके आशीर्वाद से उस बालिका पौलोमिका की स्मृति पुनः संग्रहित की जा सकती है। और यदि ऐसा हुआ तो मार्ग स्वयं ही निकल आएगा। नारायण नारायण। देव ऋषि, ये कार्य हम तभी कर सकते हैं जब वो बालिका हमारा आवाहन करे। तनिक ठहरिए देवी, हम पुत्री से संपर्क साधने का प्रयास करते हैं। इसे देख के कुछ याद आया, मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊं कि तुम्हें स्टॉल से कितना खेलती थी। अच्छा, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि मेरे पापा खो गए हैं? नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अच्छा, उदास मत हो, मैं तुम्हें मंदिर लेके चलती हूँ, हो सकते है वहाँ पे तुम्हें कुछ याद आ जाए। आओ मेरे साथ। लेकिन अब पानी नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं, जैसे बीज मिल गया ना वैसे ही पानी भी मिल जाएगा, बस थोड़ा धीरज धरना होगा। अब बैठिए। तुम्हें पता है पौलोमिका, हम इस मंदिर में कितनी बार आ चुके और पिछली बार तुमने क्या किया था, तुम्हें याद है? पौलोमिका, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। पौलोमिका, तुम कहाँ चले गए? पौलोमिका, पौलोमिका, फड़फड़ाना बंद करो और मेरी बात सुनो। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, जानना था ना तुम्हें, जानना था ना? तो सुनो, तुम देवी पौलोमी की रचना, तुम्हारी माँ जिसने तुम्हें जन्म दिया उसे संतोषी ने मारा, संतोषी ने मारा, संतोषी ने मारा, संतोषी ने मारा।
इसीलिए देवी पौलोमी ने तुम्हारी माँ की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा। संतोषी ने तुम्हारी मरकर तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन साथ में मेरी एक बेटी है, वो अनाथ हो जाएगी। संतोषी वो कामिनी के पास तुम्हारे पास रहेगी, तो उसे संस्कारों की कोई कमी नहीं होगी। कहाँ है कृष्णा की बेटी? ये है, इसे हम अपने साथ लेकर जाएंगे। मैं तुम्हें इतनी ही स्मृति दूंगी जिससे तुम्हें तुम्हारा बदला याद आ जाए। अब तुम्हें समझ आया तुम्हें यहाँ क्यों भेजा गया है, किस मकसद को पूरा करने के लिए भेजा गया है? अब मैं अपना लक्ष्य जरूर पूरा करूंगी। मैं इस परिवार से अपनी माँ का बदला जरूर लूंगी। हमें किसी भी तरीके से बीज पर पानी डालना होगा। अगर हम कपड़े को लकड़ी से बांधकर उस पानी में डुबो दें तो बीज के लिए पानी मिल जाएगा। तुम्हें लगता है ये आइडिया काम करेगा? कोशिश करके देखते हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एक लंबी सी लकड़ी चाहिए होगी। ये आइडिया तो काम नहीं कर रहा। क्या करें? पैसा मिल गया उपाय। कौन सा उपाय? अब हम पानी नहीं मांगेंगे, क्रांति माँ खुद पानी देंगे। कोई है? दोषी क्या कर रही? कोई है यहाँ? कोई सुन रहा है हमारी आवाज? हमारी पूजा का समय हो गया है। कोई क्या है, क्यों परेशान? हमें क्रांति माँ के पास लेकर चलिए। वो क्या है कि इस समय हम क्रांति माँ की पूजा करते हैं। जल्दी कीजिए। तुम कहीं नहीं जा सकती। ठीक है, मत लेकर जाइए। लेकिन अगर क्रांति माँ ने पूछा कि आज का पूजा कैसे नहीं हुआ उनका, और वो हम पर नाराज होंगे, तो हम सीधा आपका नाम लेंगे। अरे यार, क्रांति माँ नाराज हो गई, हमारी तो सामत आ जाएगी। मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। मुझे यहाँ से जाना अपनी बीवी के पास। वो निकले कितनी परेशान हो रही है। मुझे यहाँ से निकलना है, प्लीज मेरी मदद करिए। मेरी मदद करिए प्लीज। देवी, आप सही कह रही हैं। आपकी भक्त के पति किसी माया के वश में है। हमें भी वो कहीं नहीं दिखा। प्रतीत होता है कि कोई बहुत शक्तिशाली माया है जिसने संतोषी के पति को अदृश्य कर रखा है। माते, इस माया जाल का कोई तो काट होगा। अवश्य होगा देवी संतोषी, किंतु सर्वप्रथम हमें ये ज्ञात करना होगा
कि ये माया जाल किसकी रचना है। हमारी भक्त की प्रसन्नता से वही दुखी हो सकता है जो उसे हानि पहुंचाना चाहता हो, और वो है देवी पौलमी। उन्होंने ही ये माया जाल रचा है। मैडम, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन देखिए देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानिए, चलिए आप मेरे साथ चलिए, आप मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं, हम कहीं नहीं जा रहे। आप सबको जाना है तो आप लोग जाइए, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे पति नहीं मिल जाते। संतोषी जी, इस सुनसान जगह पर रहकर आप क्या करेंगी? देखिए ये जगह सुरक्षित नहीं है, मेरी बात मानिए, चलिए प्लीज आप मेरे साथ चलिए। हमने कहा ना, हम यहाँ से तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे पति हमें नहीं मिल जाते। आप सब यहाँ पर हमारे साथ है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये बहुत दुखी लग रही है, इसे यहीं छोड़ दिया जाए। जब इसे कोई नहीं मिलेगा ना, अपने आप ये जरूर आएगी। सर संतोषी, प्लीज देखो इधर मेरी तरफ, मैं यहीं पे हूँ। धैर्य सर, आपको रुकना ही है तो आप रुकिए, अगर हमारी कोई जरूरत पड़े तो आपको पता है पुलिस चौकी कहाँ है, आ जाइए। चलो। ये सब क्या हो रहा है माँ? संतोषी, देखो मैं यहीं पे हूँ यार। तेरे सर हम यही है आपके साथ, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप हमें मिल नहीं जाते। हम जानते हैं आप यही हैं कहीं आसपास। संतोष जी, हम आपके साथ हैं तेरे से, हम आपके साथ हैं। फंस गया हूँ यहाँ पे, प्लीज देखो इधर। तुम दोनों ने मुझे अब फंसाया इस दुनिया में ना? हमने नहीं फंसाया तुम्हें, तुम खुद आए थे हमारे पास। मैं कुछ नहीं जानता और ना ही मुझे कोई बकवास सुनी तुम लोगों की। मुझे यहाँ से जाना है, मेरी बीवी वहां मेरा वेट कर रही है, वो परेशान है वहां पे। मैं अब निकाल नहीं सकते हम, ये हमारे वश में नहीं। तुम अगर मुझे यहां से नहीं निकालोगे ना, यहां से जाने नहीं दोगे, तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तू इनकी जान लेगा? लग रहा है जैसे आप किसी बहुत बड़ी मुसीबत में। माँ, हमारे पति की मदद कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। अरे माधुरी बेटा, अब शेषनाग की तबीयत कैसी है? अंधिया जी, अम्मा जी, हम कहाँ बताएं आपको, इतनी खराब है ना कि बिस्तर से उठ ना पाए। मतलब आई देखो, देखो चले आए यहाँ, यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो ना बिस्तर में, ऐसे लूड़े लंगड़ाते हुए चल रहे, कहीं गिर गिर आ गए तो और आफत। देखो अम्मा जी, हाथ लगाना। ये क्या है माधुरी, चकमा खा गई ना? अरे हम तो नाटक कर रहे थे, हनुमान जी की कृपा से हम बिल्कुल ठीक हो गए हैं। दिखा है क्या? ये देखो हम बिल्कुल ठीक हो गए। अरे कुछ नहीं हुआ। अरे इतनी हनुमान जी की कृपा होती तुम्हारे ऊपर तो उस दिन औंधे मुंह ना गिर पड़ते हैं, और तुम्हारे अकल के जो बीज है ना वो फूट गए होते। चाची, चाचा जी सही कह रहे हैं, इनके ऊपर छोटे हनुमान जी की कृपा है, इसलिए तो ये संत बन गए हैं। इन्हें पता चल गया है
कि माँ की सेवा में ही संसार का सुख होता है। क्यों सही कहा ना चाचा जी? ठीक कहा टिनवा, माँ की कृपा में ही संसार का सुख है। तो ये लो अम्मा, हम तुम्हारी सेवा में उपस्थित हैं। अब बोलो हमें क्या करना है, बताओ अम्मा। बेटा अभी तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद सेवा करना हमारी। ठीक है, हो ही गए हैं। हाँ हाँ हाँ, एक काम करते हैं, सबसे पहले आपकी सेवा शुरू करते हैं। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अब पैर दबाते हैं ना, तुम तो बस बताओ, काम बताओ हमको, क्या करना है तुम्हारे लिए, हैं? क्या सेवा करें तुम्हारी, बताओ। भाई भैया इनको कहाँ हो गया है, अगर ये एक इनके दिमाग में गहरी चोट तो नहीं लग गई? एक दिन में माँ की इतनी भक्ति। संतोषी धैर्य पहुँच गए होंगे, क्यों? हाँ हाँ पहुँच गए होंगे। अगर पहुँच गए होंगे तो उनका कॉल क्यों नहीं आया? कुछ देर पहले हम दोनों को कॉल लगाया था, लेकिन दोनों में से किसी का फोन लगा नहीं। पापा जी हाईवे पर नेटवर्क नहीं होता है। धैर्य सर, धैर्य सर। ये संतोषी, अरे धैर्य सर। संतोषी तू क्या, क्या हुआ? काके धैर्य सर घर आए क्या? बेटी कैसी बात कर रही हो, धैर्य तो तुम्हारे साथ था, यहाँ कैसे होगा? लेकिन हमारे पीछे घर आए हैं क्या? इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, अरे पानी ले गया भाई। क्या बेटा, घर नहीं है तो कहाँ चले गए काका? मेरे सर कहीं नहीं मिल रहे हमें। संतोषी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, क्या हुआ बेटा बताओ तो सही। ये लीजिए। हम लोग नैनीताल के लिए निकले थे तो रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई। वैसे शुक्र है गाड़ी खराब हुई भी है तो गांव के सामने चल के वहां देखते हैं, कोई ना कोई मैकेनिक मिल जाएगा। यहाँ आसपास कोई मैकेनिक है क्या? मेरी हमारी गाड़ी खराब हो गई है। यहाँ तो बेटा कोई साइकिल ठीक करने वाला मिस्त्री भी नहीं मिलेगा, और तुम कार ठीक करने की बात कर रहे हो कि कार का मिस्त्री कोई मिले। रात बिताने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम चाहो तो यहाँ दोनों रह सकते हो। क्या हो गया बेटी, तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया? हो सकता है हमारा बेटा किडनैप हो गया हो। नहीं काका, पुलिस को बताया था, लेकिन पुलिस भी हमारी बात मानने को तैयार नहीं, कोई विश्वास ही नहीं कर रहा हमारी बात पे। उजुर बेटा फौरन गाड़ी निकालो, हम भी वहीं जाएंगे जहां संतोषी और धैर्य गए थे। काका धैर्य सर मिल जाएंगे ना? बेटी संतोषी माँ का आशीर्वाद उसके साथ है। बेटी जरा हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो जल्दी करो, गाड़ी निकाल। सब ठीक हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। आंटी आप प्लीज रोइए मत, अंकल जरूर मिल जाएंगे। हाँ, जरूर मिल जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।